हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और न्यू जबरदस्त जॉब अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है JRHMS रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। ये आपको मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है फ्रेंड्स। JRHMS मीन्स कि आपका झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से आपको अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी पे ये पोस्ट आपको आई है। तो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बताने वाली हूँ आगे इस वीडियो में कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट पे आई है वैकेंसी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाला है, सारे कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स अभी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए मैं इस नोटिस को आपको थ्रो आउट रीड करके बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है, किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर चीज़ जो इसमें लिखा है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1400 रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको 560 रहने वाला है। EWS के लिए 140, ST कैंडिडेट्स के लिए 364 पोस्ट है, SC वालों के लिए 140, BC1 के लिए 112 एंड आपको BC2 के लिए 84 पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, आपको इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत इन कम्युनिटी हेल्थ CPCH फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेजेस। मतलब कि अगर आपने पास कर लिया है नर्सिंग का जो ये सारे सर्टिफिकेट है, अगर आपका 2016 से 2020 के बीच का है, आपने इस बीच पास आउट किया है, तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल रहने वाले हो। देन फ्रेंड्स बारी आती है आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आपका इनिशियल इनहैंड सैलरी है वो आपको 25,000 रहने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे जो इनिशियली जॉब दिया जाता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है 1 ईयर के लिए। उसके बाद जो रिन्यूअल होता है फ्रेंड्स वो आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रहता है। सो, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो आपको निकाल दिया जाएगा। निकाला किसी को नहीं जाता है, बस ऐसे ही कहने के लिए होता है। और आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको आगे अच्छा कुछ देखने को इसमें मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें तो आपको सैलरी 25,000 पर मंथ मिलने ही वाला है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी देखने को मिल जाएगा। 15,000 पर मंथ का आपको जो है इंसेंटिव भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 15,000 तक के आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे रहेगा, जैसा अच्छा परफॉर्म करोगे वैसा इंसेंटिव आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स रिजर्वेशन भी दिया जाता है। जनरल सर्कुलर इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के तरफ से इशू किया जाएगा वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल रहने वाला है रिजर्वेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स तो आपको मिनिमम यहाँ पे 21 जो है वो एज लिमिट है, और आपको जो एज कैलकुलेट किया जाएगा एज ऑन आपका 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग रहेगा। मैक्सिमम एज की बात करें फ्रेंड्स तो आपका जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स रहने वाला है, BC1
BC2 के लिए आपका मैक्सिमम 37 इयर्स रहेगा, फीमेल जो है अनरिजर्व्ड BC1 BC2 के लिए 38 रहने वाला है, SC ST के मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 इयर्स का, वो दिव्यांग कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और आगे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट है झारखंड के, वो अगर क्लेम करते हैं रिजर्वेशन ST SC BC1 BC2 EWS, तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इशू करा के झारखंड गवर्नमेंट से यहाँ पे जमा कराना होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है फ्रेंड्स। जो आपने स्कोर ऑब्टेन किया है फाइनल BSc में या फिर पोस्ट बेसिक BSc थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, उसके आधार पे फ्रेंड्स आपका मेरिट लिस्ट में जो है नाम आएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बता देती हूँ कि किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंट आपको मार्क्स होना चाहिए। 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज, 40% फॉर EWS, 36.5% फॉर BC2, 34% फॉर BC1, 32% फॉर SC ST एंड ऑल कैटेगरी वीमेन एप्लीकेंट्स, 30% फॉर PGT। तो ये सारे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए। यहाँ पे फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो आपका 8 जुलाई के पहले आपको फ्रेंड्स, अगर आप इलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो 8 जुलाई से पहले पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आपको जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, यानी अगर आप EWS के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट देना होगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जो दिव्यांग लोग होंगे उनको सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है फ्रेंड्स कि जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उन्हीं का यहाँ पे जो है वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से रिसीव किया गया, अदरवाइज अगर आप किसी अदर मोड से करते हो तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को इनवैलिड माना जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे www.jrhms.jharkhand.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताया है झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर इसे समझने में फ्रेंड्स आपको कोई सी भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसके लिए आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फ्रेंड्स इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, आप वहां जाकर के भी थोरो आउट रीड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ पाओगे। और फ्रेंड्स अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप अपने GK GS के जो तैयारी है उसको और मजबूत करना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है GK GS का क्विज है, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से भी जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस को मेमोराइज कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी सारी न्यू जॉब अपडेट्स के बारे में समय समय पे पता चल सके। तो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।